प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओम बिरला जो हैं उनके पीछे, यहाँ पर तमाम हमारे जो सांसद हैं, तमाम जो हमारे मंत्री हैं कैबिनेट में, वो सब यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अब सभी धर्मों के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच गए, सभी धर्मों के धर्मगुरु जो यहाँ पर पहुंच गए हैं, और अब अलग अलग धर्मों के हिसाब से यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो शुरू हो रहा है, जिसे सुनना अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। अखिलेश, सर्वधर्म प्रार्थना सभा, ठीक वैसे ही जब इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, शिलान्यास किया गया था, उस समय भी सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई थी, और आज भी उसी कार्यक्रम को एक बार फिर से किया जा रहा है, इसमें कि सभी धर्मों के जो महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं वे आए हैं और यहाँ पर अपनी ओर से प्रस्तुति दे रहे हैं, जिसमें कि एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा के रूप में इसे आयोजित किया गया है। सुनते हैं यहाँ पर। नमो तस भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास कंगे तुझे ने जोने तवा थमचे पाबे छिरे थमबे छुने तुझे गौतम तेला छा छे लो गौतम तेला छा गौतम तेला छा छे लो ओम नमो मंगावते अपरिमित अरिज्ञान सुमिनी चिता ཁྱི དམར་ཇོ་དམར་ཇོ་ནས་སིམ་ཅེ་རུ་དེ་པ་དོ་མེ་ཨོམ་སུ་པ་དེ་དམ་བེན་ཟར་ཡེ་སོ་ཧ་ཨོམ་ཡེ་དར་མ་ཧེ་ཏོ་བ་མ་པ་ཧེ་ཏེ་དེ་ཁེན་དན་ལ་གོ་ཧེ་བ་དེ་དེ་གེན་དོ་ཨིན་རུ་དོ་ཡོ་མ་དེ་མ་ཤ་མ་ན་ཡེ་སོ་ཨ་ཡེ་ཇི་དེ་དེ་མེ་ཏོ་ཆེ་བ་མེ་དེ་མེ་ཆེ་བ་མ་ལུ་ཇོང་དེ་ངེ་མེ་དོ་ཨ་ཇོ་བ་ན་མ་ཡེ་ཇོ་ यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुमने से ऐसा कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की विसात मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब नेम डाल कर तैयार ना कर सके तो सब देखने वालों ये कहकर उसे ठट्ठा में उड़ाने लगेंगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राज्य है कि जो दूसरे राज्य के युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना करे कर ले कि जो 20,000 लेकर
मुझ पर आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकूंगा? तब सुलेमान इज़राइल की पूरी सभा में देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान तो ऊपर स्वर्ग में और आज नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन में से अपने की तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसका तो तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था, वैसा ही अपने हाथ से उसे पूरा किया है, जैसा आज है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस नई सांसद की इमारत के लिए, जो आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु आज पूरी हुई है। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम सांसद प्रभु, जो यहाँ पर विचार विमर्श करके इस देश को चलाएंगे। हमारी विनती है कि आपकी पवित्र आत्मा यहाँ सदा वास करे, कि प्रभु आपके द्वारा जो कुछ भी आपने संभव किया है, हमारे इस तमाम इमारत को बनाने वालों पर आपकी आशीष हो। और जिस मकसद के लिए प्रभु ये कार्य हुआ है, ये इमारत खड़ी हुई है, वो पूरा हो, कि यहाँ से न्याय हो, कि यहाँ से लोगों को आशीष मिले, कि यहाँ से जनता का भला हो। आपके पवित्र हाथों में एक बार फिर से संपूर्ण कार्यवाही को सौंपते हैं और हम इस दुआ को मांगते हैं आप ही के प्यारे बेटे हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के पाक, पवित्र, रहीम और मीठे नाम से, आमीन। बना में खुदा, बना में यसाहुं बख्शाहुं, यन्ने बख्शाहुं यसकाहुं, मेहरबान रजिस तैयाओं चीज तैयाओं मजद दैयाओं शौत नियाओं दैनयाओं वंगोयाओं मजद यस्नोइंस दिन बेराओस वादरोस के खुदाई पर खलंग फरिश्ता दे इन हाउस के जरतोस अवर दे हाउस तीन दिन जरतोस दीने और मस्ताओ डाडे जरतोस पीतमाओ अशो नहीं अशम वहो वैस्ते मस्ते उस्तास्ते उस्तामाई यरशाई वैस्ताम यशेम अशोनाम वंगोईंस सुराउंस पेंताओं प्रवश्यों यजमैदै यंगे आताओं मात्यस्ने पैति मंगाओं मस्दाओराओं वैथ्या सारचाओ योंगम चाओ तस्साओ तवस्साओ यजमैदैं यथा हुवेर्याओ यथा रताओ साओ चिरचाओ वंगे ओ दस्ताओ मनंगाओ क्षोते ननाओ मंगे ओ स्वस्ताएं शत्रिम चाय हौराउ आयम द्रेगुभ्यौ दरत वस्तरम अशम वहो वैस्ते मस्ते उस्तास्ते उस्ता हम्माय यरशाय वैस्ताउ यशम बहाय प्रार्थना। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर,
अपने सेवकों के हृदय को एक कर दे और उन पर अपना महान उद्देश्य प्रकट कर, जिससे वह तेरे आदेशों का अनुपालन करे और तेरे नियमों पर अटल रहे। हे ईश्वर, तू उनके प्रयासों में उनकी सहायता कर और उन्हें अपनी सेवा करने की शक्ति प्रदान कर। हे ईश्वर, उन्हें उनके ऊपर ना छोड़, उनके पगों का अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा मार्गदर्शन कर और उनके हृदय को अपने प्रेम से आनंदित कर दे। सत्य ही तू उनका सहायक और उनका स्वामी है। प्रेयर फ्रॉम जुडाइज्म, मिज़मोर ले दावीद अदोनाय रोई लो एहसर बिन ओ देशे यार बिसेनी अलमे मेनु होत ए ना हालेनी नाप्शी एशो बेप यान हेनी बेमा गेले से देख ले मान शेमो गाम की एले बेगेन सालमावे लो इरारा कियता इमादे शिप्ते का उबिशंते का हे माये नामोनी तारोक ले फानाय शुला खान ने गेत सोर राय दिशंता बशे में नोशी कोसी रे वैया आग तो वाए से इर्दे पुनी कोलिये में हया वेशप्ति बेबेता दुनाय ले ओ रे क्या में। द लॉर्ड इज माय शेफर्ड, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me gently beside the still waters. He refreshes my soul. He guides me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because God is with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table for me in the presence of mine adversaries. Thou hast anointed my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for length of days. Let us say Amen. Lok Tantra ke Pavitra Mandir, संसद के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर जैन प्रार्थना, भगवान महावीर की वाणी। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सब साहुणम, ऐसो पंचनमोकारो सब पाव पनासनो मंगलानम च सब्बे सिंह परमम हवई मंगलम। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारी लोगतमा, अरहंता लोगतमा, सिद्धा लोगतमा, साहू लोगतमा, केवली वन्नतो धम्मो लोगतमो। चत्तारी शरणं भवज्जामि, अरहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहू शरणं भवज्जामि, केवली वन्नतम धम्मं शरणं भवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिठं अहिंसा संयमो तवो देवावि तं नमंसन्ति जस्स धम्मे सयामनो। जो पुप रत्तावर रत्त काले संपृक्ख अपगम अपैणम येम किरम कत्तम जो पुप रत्तावर रत्त काले। भगवान महावीर कहते हैं, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, इसलिए तू श्रेष्ठ कर्म कर। अप्पा कत्ता विकत्ता है दुहानी है सुहानी है अप्पा मितम अमितम च दुपट्टी है सुपट्टी है। भगवान महावीर कहते हैं, जो सहसम सहसानम संगाम ए दुजे जिने एकम जिने जे अपानम ऐस से परमोह जो। भगवान महावीर कहते हैं, सदा कम्मुनो बम्मुनो होई कम्मुनो होई खत्तियो वैसो कम्मुनो होई सुद्धो होई कम्मुनो। मैं इस अवसर पर संपूर्ण जैन समाज की ओर से
श्वेतांबर दिगंबर स्थानकवासी डेरावासी तेरापंथी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देते हुए अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने धर्मदंड को राजदंड को सुंगेल को उसके उचित स्थान पर ऐतिहासिक स्थान पर प्रस्थापित किया। संपूर्ण जैन समाज की ओर से बहुत बहुत आभार अभिनंदन। بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان سوہی محلا پنجواں سوکھ محل جا کے اونچ دوارے तामे वासे भगत प्यारे सुख महल जाके ऊंच द्वारे तामे वासे भगत प्यारे सहज कथा प्रभ की अति मीठी विरले काहो नेत्रों डिठी सहज कथा प्रभ की अति मीठी विरले काहू नेत्रों डिठी रहाओ तह गीत नाद अघारे संगा उहां संत करे हर रंगा तह गीत नाद अघारे संगा उहां संत करे हर रंगा तेह मरण न जीवन सोग न हरखा साच नाम की अमृत बरखा तेह मरण न जीवन सोग न हरखा साच नाम की अमृत बरखा गुज कथाए गुरते जानी नानक बोले हर हर बाणी गुज कथाए गुरते जानी नानक बोले हर हर बाणी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संपूर्ण जैन समाज की ओर से भारत की धरती को नमन करती हूँ। रमो जिनाड़ो जय जिनेन्द्र। माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में नवीन संसद भवन के भव्य उद्घाटन समारोह के पावन अवसर पर प्राकृत भाषा संस्कृत में जैन प्रार्थना।
पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठिता मुनिवरा रत्नत्रयाराधिता पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम् यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावाश्रितचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तर संसद भवन की लॉबी में जो नया संसद भवन है उसकी लॉबी में आप ये देख रहे हैं जो सभी धर्मों की प्रार्थना सभा है उसका आयोजन इस वक्त चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिसमें वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद सर हैं, जयंत घोषाल साहब हैं, सुनील देवरे साहब हैं जो मूर्तिकार हैं, अश्विनी दुबे साहब हैं जो संविधान विशेषज्ञ हैं। तो केवी प्रसाद साहब, सबसे पहले आप ही के पास मैं यहाँ पर आना चाहूँगी। ये अपने आप में जितना भव्य है कार्यक्रम हम देख रहे हैं, जितनी तैयारियां इसकी पहले से की गई थी, उतना ही आने वाले दिनों में जो नई संसद भवन में हम एक तरह से लोकतंत्र की तस्वीर है उसके लिए भी उम्मीद करते हुए यहाँ पर सभी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हम सब चाहते हैं कि ये नया संसद हो, वो भारत के नए जो परिवर्तन की बात हो रही है जिस तरह से अग्रसर है देश, उसमें ये एक अहम भूमिका निभाए और निभाना भी चाहिए, क्योंकि भारत का संसदीय प्रणाली में, भारत के लोकतंत्र में संसद एक बहुत अहम उसमें उसकी भूमिका रहती है। तो नए ऊर्जा के साथ जब ये बिल्डिंग का आज अनावरण हो रहा है, और इसके बाद अगर हम देखें ना सिर्फ अच्छे हमारे कानून बने, साथ ही साथ जो यहाँ पे जो एक डिबेट और डिस्कशन का स्तर हो इतना रहे कि जिस नए 100 साल की तरफ जो बात चल रही है अमृतकाल की तरफ, तो नई सोच और नई ऊर्जा के साथ हम तेजी से उस तरफ बढ़े। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरह की विश्व परिस्थितियां बदल रही हैं, उस परिस्थिति के अनुकूल हम अपने देश और अपने देशवासियों को तैयार करें और उनको समझाएं और उनको बताएं कि जिस दिशा और जिस के और बढ़ना है हमें राष्ट्र को, वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए नई जगह में उसका एक परिकल्पना जिस तरह से की गई है वो उजागर हो, ऐसा माना जाए। हमारे साथ सुनील देवरे जी भी जुड़ गए हैं, मूर्तिकार हैं, जो इस भव्य नए संसद भवन में आप देख रहे हैं, दूर से दिखता है वो सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है वो विशाल का अशोक स्तंभ, उसकी जो रचना है वो सुनील देवरे जी ने की है। सुनील जी, जो पूरी इमारत बनी है इसके वास्तु जो कला इसमें इस्तेमाल की गई है इसके बारे में जरा बताइए, और ये जो अशोक स्तंभ है इसको बनाने के लिए किस तरह की तैयारियां की गई थी? सबसे पहले तो मैं दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर का जो उद्घाटन होने जा रहा है उसके लिए भारतवासियों का अभिनंदन करता हूँ। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मानचिन्ह बनाने का मुझे मौका मिला था उसके लिए मैं पूरे गवर्नमेंट टाटा प्रोजेक्ट इनका आभारी हूँ। और ये जो बनाने के लिए हमें 2 साल का समय लगा था टोटल, फिर हम 9 महीने में हम इसको कंप्लीट किया था। तो इसका शुरुआत हमने सुन पा रहे हैं आपको? हाँ, इसकी शुरुआत हमने औरंगाबाद में इसका क्ले मॉडल बनाया था, उसके बाद में जयपुर में इसकी धातु का कास्टिंग का काम हुआ था, और फिर हम उसको पार्टली, ये चैलेंजिंग था हमारे लिए
क्योंकि उसको पार्टली 30 फीट की ये जो अशोक स्तंभ था वो बनाने के लिए दो दो टन का हमने पार्टली उसको ज्वाइन किया था, और पूरा होने के बाद आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसको देख के कि पूरा इमारत का एक मुकुट जो का काम मुझे बनाने का मौका मिला और उसका इतिहास में मेरा शिल्पकार रहेगा। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत ही आपके लिए यादगार क्षण रहे होंगे। अश्विनी दुबे साहब भी हमारे साथ हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं वो। अश्विनी दुबे साहब, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होगा आने वाले दिनों में ये देखना कि किस तरह से हमारे जो जनता के प्रतिनिधि हैं, हमारे देश के जो प्रतिनिधि हैं, वो संविधान की रक्षा करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज वही होगी यहाँ पर। बिल्कुल अदिति जी, देखिए जिस तरह से आपने देखा कि लोकतंत्र के इस मंदिर में संविधान को सर्वोपरि रखा गया, और प्रीएम्बल आपने देखा कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो प्रधानमंत्री जी ने और लोकसभा अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से वहां जा करके जो संविधान की सर्वोच्चता को उन्होंने सर्वोपरि रखा, और उसके अलावा जो भारत की एकता और सर्वधर्म संभाव के जितने तमाम पंथों के लोग थे, तमाम धर्मों के लोग थे, आपने देखा सबने अपने अपने तरीके से एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए और लोकतंत्र का मंदिर सुदृढ़ रहे, लोगों का शासन रहे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हो, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, उसको लेकर के सबने प्रे किया। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्माता होते हैं, उनका स्थान महत्वपूर्ण होता है, उसका अनुमान महत्व और शक्ति का इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंत्रिपरिषद के अस्तित्व में आने के पहले ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, यानी प्राइम मिनिस्टर देश के राजनीतिक दल के नेता और संसद के बहुमत दल के नेता, और जिस बात को उन्होंने बड़ी ही कुशलता से प्रमुखता से किया और एक ऐसा भव्य मंदिर दिया लोकतंत्र का इस देश को, जिसको आने वाले दिनों में याद रखा जाएगा, बहुत ही रोमांचक अद्भुत आध्यात्मिक पल है। और हम समझते हैं कि ये जो संविधान निर्माता कानून निर्माता जितने भी लोग हैं, तो संविधान निर्माताओं की जो इच्छा रही उसको अंगीकार करते हुए भारत को एक लोकतंत्र, सुदृढ़ लोकतंत्र देंगे जो जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा होगा, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेगा, और संविधान में जो कही गई बातें हैं, जो संविधान निर्माताओं के विजन हैं जनता के लिए, उसका पालन करेंगे, उसको पूर्ण करेंगे।